तगड़े दवाई यार सच्ची सर ऑटोग्राफ मिलेगा सर मैंने कल स्टोरी डाली छोटा हिलास मीटअप कर लो यहाँ बताओ गाइस वेलकम टू आवर चैनल आरएस ग्रुप उत्तराखंड एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड। आज है 18 तारीख महाशिवरात्रि, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। और अभी मैं जा रहा हूँ आज छोटा कैलाश, बहुत सडन प्लान बना तो अभी पुष्कर भी आए हैं, उनसे ही मिलाता हूँ, उनके साथ जा रहा हूँ अभी आदि कैलाश, मतलब आदि कैलाश नहीं छोटा कैलाश, आदि कैलाश तो पिथौरागढ़ वाला है, तो चलते हैं फटाफट। और शायद ऋषभ भी वहाँ आएगा तो मिलते हैं फिर फटाफट भाई लोगों से। मेरे पार्टनर इनसे बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे हम कि कभी एक जाएंगे साथ में ट्रिप करेंगे, और ये भैया की बीस्ट और ये अपनी बीस्ट, आज चलेंगे दोनों राइड पर। और आज अच्छा ही है, महाशिवरात्रि के दिन हम वहाँ छोटा कैलाश जा रहे हैं तो बहुत ही एपिक ट्रिप होने वाली है, तो बने रहिएगा हमारे साथ, इसमें ट्रैकिंग भी होने वाली है खतरनाक वाली। हाँ ठीक है ठीक है। अभी हम आ गए हैं रानीबाग पे, भीमताल से जो अंदर भीमताल वाला जो रास्ता है उसमें आ गए हैं, ऋषभ का वेट कर रहे हैं, ऋषभ आ रहा है अभी, पुष्कर भैया और मैं बस अभी जस्ट पहुंचे ही हैं, उसके बाद फिर जाते हैं सीधे वहां को और फिर ट्रैक करते हैं 3-4 किलोमीटर का, बहुत मजा आने वाला है। आदि कैलाश तो गया हुआ हूं मैं, लेकिन ये छोटा कैलाश पहली बार जा रहा हूं, तो अब पता नहीं इसको यहां पर ऐसा एस्टेब्लिश क्यों किया है इसको या आदि कैलाश को, मेरे हिसाब से शायद यहां के लोग जो मेन कैलाश है जो तिब्बत में आता है शायद वहां नहीं पहुंच पाते हो, तो इसलिए शायद इनको नाम दिया हो, या कोई और स्टोरी होगी तो पता नहीं, किसी को पता होगा तो जरूर बताना मुझे, तो ऐसा एजम्पशन है। भैया क्या लगता है आपको, मतलब ये इसको कैलाश का नाम क्यों दिया होगा, मतलब यार ये हमारे पहाड़ है जहाँ हमें भक्ति भावना देखी वहाँ नाम आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ना जैसे जो मेन कैलाश है तिब्बत, वहाँ मतलब जनरली पहुंचना थोड़ा टफ है, मतलब तिब्बत वाले इलाके में, तो क्या पता जैसे उसको एक आदि कैलाश कह दिया पिथौरागढ़ वाले को, इसको यहाँ की यहाँ वाले लोग मतलब वहां ना जा पाए तो छोटा कैलाश, शायद ऐसा भी हो सकता है। सारी गाड़ियां खड़ी है ना, वहां से पैदल आना होता है। तो अभी हम ये इस रूट से आ रहे हैं, अब भयंकर रूट था, जाम वगैरह भी लगा है वहां, किसी भी सारी गाड़ी या बाइक कुछ चला हुआ है शायद, जो धुआं वगैरह दिख रहा है बीच में वहां पर ये इस पोर्शन में, तो पता नहीं वहां पर हुआ क्या एग्जैक्टली, बट कोई कह रहे थे कि बाइक या कुछ चली है, और ये अपना ट्रैक है ऊपर को। अभी हम ट्रैक पर हैं इसके, ये शायद 2-3 किलोमीटर का ट्रैक है, और भीड़ भी काफ़ी, बहुत भीड़ है इधर कैलाश में, ऊपर से नीचे से लोग बहुत आ रहे हैं, मतलब एक शिवरात्रि के दिन यहाँ शायद हर शिवजी मंदिर में ऐसा होता ही है, बट यहाँ कुछ नेक्स्ट लेवल ही भीड़ है। गाइस ये बड़ा पहाड़ यहीं है शायद कैलाश का, अभी हमें लग रहा था इस पहाड़ में लेकिन इसमें भी नहीं निकला, ये बड़ा पहाड़ इसमें छोटा कैलाश। तो और भीड़ भी भयंकर दिख रही है, भयंकर वाली भाई, कितने लोग आ रहे हैं तगड़े दवाई सच्ची सर ऑटोग्राफ मिलेगा सर मैंने कल स्टोरी डाली छोटा हिलास मीटअप कर लो यहाँ बताओ। हम पहुंच गए गेट पर और यहाँ भयंकर भीड़ हो रही, जूते चप्पल सब यहीं पर उतारे हैं लोगों ने, हम भी यहीं पर कहीं पर उतारेंगे। तो ये रहा आदि कैलाश धाम का जो मेन जो यहाँ पर वो रहता है मंदिर का शिवलिंग है, देखिए यहाँ पर ये वाली, तो ये रहता है मेन, और यहीं पूजा वगैरह होती है, प्रसाद वगैरह चढ़ता है यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा टाइम आज स्पेंड किया हमने यहाँ पर, और बस थोड़ी देर अभी हम तो और रुक के फिर हम चले जाएंगे वापस, बहुत ही मजा आया। सो गाइस अभी आ गए हम नीचे को दर्शन करके, अब जा रहे हैं नीचे को। भैया आप ही रुक रहे हो हल्द्वानी, क्या कर रहे हो? रुकूंगा। अच्छा कल फिर कल जाओगे? ऑलमोस्ट हो गया है 3:30, पहुंचने का नहीं हो पाएगा वापस नैनीताल, तो आज हल्द्वानी में विश्राम होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, हम भी हल्द्वानी है आज,
और इस व्लॉग के बाद एक तगड़ा व्लॉग आने वाला है गाइस, तो स्टे ट्यून्ड रहना उसके लिए, मतलब कुछ नेक्स्ट लेवल चीज़ें होने वाली हैं।